हाँ परिधि, तुम फिक्र मत करो, मैं बस निकल ही रही हूँ अब, और जैसे ही मीरा का कुछ पता चलता है मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी। और हाँ, तुम्हारी ये गाड़ी देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू कहकर आपने मुझे एक ही पल में पराया कर दिया। ओहो मेरी माँ, तुम ना कभी नहीं सुधरने वाले। चलो मैं अपना थैंक यू वापस ले रही हूँ। खुश? खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। और गोपी बहन आप संभल कर जाइएगा। हाँ हाँ परिधि, चलो अभी रखती हूँ, बाय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पीछे जाना होगा। ये मीरा, मीरा कहाँ चली गई? कौन है वो लड़का उसके साथ? जी, तुम इस वक्त यहाँ? मानसी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? Just look at this. परी और गोपी ने मेरे साथ क्या किया? You mean to say गोपी? Not possible. गोपी ऐसा नहीं कर सकती। You mean to say कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा कहा का, लेकिन लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था ना है? मानसी प्लीज, मानता हूँ कि परी ऐसा कर सकती, लेकिन गोपी, गोपी ऐसा नहीं करेगी। और वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि मैंने उन्हें मीरा कहाँ गई है ये बताने से इनकार कर दिया। That is why they did this to me. क्या मीरा दी मोदी मैंशन में नहीं है? तो फिर वो कहाँ है? और आपने माँ को बताया कि वो कहाँ है? अब मेरे साथ कोई इतनी जबरदस्ती करेगा तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा ना। आंटी प्लीज डोंट ओवर रिएक्ट। आप ये बताइए कि माँ इस वक्त कहाँ है? वो मीरा के पीछे पीछे उससे मिलने गई है। भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। मीरा दी इस वक्त इतने बुरे मूड में है कि पता नहीं वो माँ के साथ कैसे बिहेव करेंगी। पापा, हमें उन्हें रोकना ही होगा। विद्या यू डोंट वरी, गोपी मीरा तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि मैंने उसे मिसगाइड करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दी है। What? हाँ, मीरा अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए फायर एंड आइस क्लब गई है, पर मैंने गोपी से कहा कि वो गोल्डन ओक रेस्टोरेंट गई है अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर के लिए। What's wrong with you, मासी? तुमने गोपी को गलत एड्रेस बता दिया ताकि मीरा तक ना पहुंच पाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। विद्या, हमें गोपी को ढूंढने जाना होगा। एक मिनट पापा, मैं माँ को कॉल करके पूछ लेती हूँ कि वो कहाँ है इस वक्त। माँ का फोन स्विच ऑफ आ रहा है पापा। क्या? हम भी वहीं चलते हैं पापा, क्योंकि आई एम श्योर अब तक माँ वहाँ पहुँच गई होंगी। आई डोंट थिंक सो, गोपी वहाँ पहुँच पाएगी क्योंकि उसे नहीं पता मीरा कहाँ गई है। आप मेरी माँ को नहीं जानती आंटी, अब तक वो मीरा दी को ढूंढ के उनके पास पहुँच गई होंगी। चलिए पापा, हमें वहाँ चलना होगा। क्या हुआ जिगर, लगा फोन? नहीं माँ, भाभी का फोन मैंने इतनी बार ट्राई किया
लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है। माँ मुझे चिंता हो रही है। लेकिन जिक्स, ऐसे भी हो सकता है कि गोपी बहन की मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई हो। विद्या? हाँ बेटा। हेलो काकी, कुछ पता चला आपको माँ कहाँ है? वो एक्चुअली मैं उनका नंबर कब से ट्राई कर रही हूँ पर लग नहीं रहा है। हाँ विद्या, हम भी कब से कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा। अच्छा तुम कहाँ हो? वो पापा और मैं माँ को ही ढूंढने जा रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली तो वो देखो मिलने क्लब ही गई होंगी, पर वो उनका नंबर नहीं लग रहा है ना, तो थोड़ी टेंशन हो रही थी। बट एनीवे, जैसे ही कुछ पता चलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। हाँ विद्या, जैसे तुम्हें कुछ पता चले ना प्लीज हमें इन्फॉर्म कर देना बेटा। जी। हेलो किंजल, तुम्हें बताया जहम ने मेरे साथ क्या किया? आप क्यों एक छोटे बच्चे की तरह हर बार कोई ना कोई शिकायत लेके अहम भाई के पास पहुंच जाती? आपसे कहा ना मैंने मीरा को अपने साइड करो, पर आपसे इतना भी नहीं होता। I'm sorry, Kinjal, I know, पर अब मैं क्या करूं? बोरी अब इस तरह बनो और निकलने की तैयारी करो क्योंकि आपसे कुछ नहीं हो सकता। Kinjal, please don't say this ना। आप कुछ नहीं कर सकती, रहने दीजिए। Kinjal, मैं फजूली अपना टाइम वेस्ट किया, सॉरी। हेलो हेलो कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जा। What the hell? हेल भी नसीब नहीं होगा तुझे। हाँ डोबी, तेरा तो वो गधेड़े जैसा हाल होगा जो घर का न घाट का। इसे कहते हैं चने के झाड़ से गिरे और चुल्लू भर पानी में डूब मरे। कबूतर जा 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 कबूतर जा डोबी जा 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 जा। ये मीरा किसके साथ है यहाँ? एक्सक्यूज मैम, आप अंदर नहीं कर सकते। अब देखिए, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, मेरी बेटी अंदर है, मुझे उससे मिलना है। सॉरी मैडम, ये डिस्को है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, सिर्फ दो मिनट के लिए। मैडम आप हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पर ड्रेस कोड होता है और आपको साड़ी में अलाउ नहीं करेंगे। भगवान, अब मैं क्या करूँ, कैसे अंदर जाऊँ? देखना, लास्ट ईयर मैंने ये ड्रेस ली थी, अब टाइट होने लगी है। ड्रेस टाइट हो गई है कि तू मोटी हो गई है? और तू एला, जब पता है यहाँ साड़ी पहन के नहीं आ सकती तो भी साड़ी पहन के आ गई। अरे यार, वो तो सासू माँ को दिखाने के लिए ये पहननी पड़ी और यहाँ के लिए ना मैं अलग से ड्रेस लेके आई हूँ, और कहीं वो मुझे उस ड्रेस में देख लेती ना तो मेरा तो डाइवोर्स करवा देती। चल जा, चेंज कर ले अब। जी सुनिए, एक रिक्वेस्ट थी। हाँ जी। वो दरअसल मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, पर ये है कि मुझे जाने ही नहीं दे रहे क्योंकि मैं ये साड़ी पहन कर आई हूँ, तो क्या आप में से कोई भी मुझे अपनी ड्रेस दे सकती है थोड़े वक्त के लिए? ड्रेस दे दे, आई मीन हमें भी तो अंदर जाना है। पर मेरा वाकई में अंदर जाना बहुत जरूरी है। लेकिन आप ऐसे क्यों नहीं करती? वहाँ सामने एक स्टोर है जहाँ से ऐसे कपड़े आपको मिल जाएंगे जिसे पहन के आप अंदर जा सकती है। ठीक है, थैंक यू। पता नहीं ये मानसी गोपी भाभी को घर आने से कैसे रोकेगी। आप सब लोग, मीरा का कुछ पता चला? मीरा का तो नहीं, लेकिन हमें कुछ और जरूर पता चला है किंजल भाई।
मालूम है क्या, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा। जिस तरह से आप हाथ पे हाथ धरे बैठी, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी आप मुंबई वापस चली जाएंगी, और वो भी ध्यान से देखिए किंजल बे, ये वीडियो खास आप ही के लिए बनाया है। आज विद्या यहाँ पर अपनी मीरा दीदी से मिलने आई, तो आप खुद भी सोच सकती हैं कि विद्या मीरा से क्या बात करने वाली है। और अगर एक बार विद्या ने मीरा को कन्फर्म, तो आप सोच ही सकती हैं कि विद्या मीरा से क्या पूछ। अरे होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर जो मैंने आपसे कहा है आप उस पे कॉन्सेंट्रेट करें। जल्द से जल्द अब आपको मीरा को अपने साइड करना होगा, क्योंकि एक क्या जल्दी है किंजल बे, क्लाइमेक्स तो देख लीजिए। जो हारती बाजी है वो आप जीत जाएंगी। छोड़ो मीरा, दिस इज टू मच, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। किंजल बस भी करो, किंजल तुम्हारी चोरी हाथ लगी है और तुम परिधि पर चिल्ला रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें किंजल। आज तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहने में शर्म महसूस हो रही है। किंजल आज मुझे एहसास हुआ गलत हम थे जो आज तक धवल जी को गलत समझते रहे। अरे तुम जैसी लड़की जो मायके में कलेश फैला सकती है, अपने मायके को तोड़ने की कोशिश कर सकती है, वह भला अपना घर परिवार क्या बसाएगी। तुम चाहे जितनी कोशिश करो लेकिन इस मोदी भवन की नींव को हिला नहीं सकते। हाँ किंजल, क्योंकि कोकिला को गोपी पर पूरा विश्वास है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। जब तक इन दोनों का विश्वास एक दूसरे पर बरकरार है तब तक मुझे भरोसा है मोदी परिवार पर आंच तक नहीं आ सकती। अब भी समय है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताने के लिए एक मौका भी ना मिले। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। विद्या कुछ नहीं होगा, चलो। दादी का फोन। हेलो जी दादी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं दादी, वो एक्चुअली ना मानसी आंटी ने माँ को गलत एड्रेस बताया था कि मीरा दी कहाँ गई हैं। तो माँ ढूंढने चली गई। हम उन्हें ढूंढने निकले हैं, जैसे कुछ पता चलता है तो मैं आपको कॉल करती हूँ। जय श्री कृष्ण। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।